गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंश और अभी मैं हूं यार अपने सेंट्रल एशिया की दूसरी कंट्री उज्बेकिस्तान में। अभी मैं हूं अरल सी के सबसे डेड एंड पॉइंट पे, जो कि उज्बेकिस्तान कंट्री का एक छोटा सा विलेज मुनियाक जिसको बोलते हैं। अभी मैं वहां पहुंच चुका हूं और दुनिया की चौथी सबसे लार्जेस्ट लेक, जो 68,000 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस सरफेस हुआ करता था कभी, जिसको ये लोग लेक को समंदर बोलते थे, अरल सी। आई थिंक आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा यार। अभी मैं उसके डेड एंड पे पहुंच चुका हूं और कुछ ऐसा है ये नज़ारा, आप देखिए जो यहां पे मुझे दिख रहा है। 1960 के पहले ये अरल सी कितना ज़्यादा मैसिव वॉस था, आप खुद देखिए यहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने पूरा एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है और काफ़ी हिस्ट्री है इसके बारे में। ये यहाँ पे इन्होंने अभी फिलहाल एक मॉन्यूमेंट है, बाजू में एक लाइट हाउस आई थिंक उस टाइम्स का होगा, बट अभी तो उन्होंने इसको रिनोवेट वगैरह कर दिया है। तो ये पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, मैप दिखाया गया है कि अरल सी पहले और आज में कितना बड़ा डिफरेंस है। 1960 से ये श्रिंक होना स्टार्ट हुआ, 1973 में थोड़ा सा इसका साइज छोटा हुआ, फिर 1987 में ये देखिए और ज़्यादा छोटा हो गया, 1999 में इसका हाफ हिस्सा ड्राई हो चुका था और 2006 में तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर, और फाइनली 2016 में ये पूरा सूख चुका है। ये अरल सी का नीचे डाउन हिस्सा वाला पार्ट है, आप देखिए जहाँ पे अलग अलग शिप रेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको इसके पास ले चलता हूँ। तो अरल सी पूरे इस सेंट्रल एशिया के दो कंट्री कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर सिर्फ आता है। कजाकिस्तान का जो अक्तोबे रीजन था, वहाँ से लेके उज्बेकिस्तान के करल कस पाकिस्तान जो बोलते हैं उस रीजन में पड़ता है, बट फिलहाल अभी आज के टाइम पे इसको आप अपने आंखों से जो इसका रियल इम्पैक्ट हुआ करता था वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो गाइज ये हैं वो बचे हुए शिप रैक यानी टूटे हुए जहाज, जो कि पहले कभी यहाँ इस पानी में रहा करते थे। फिलहाल अभी पूरा पानी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा ड्राई ऐसी, तो इस वजह से सिर्फ इन जहाज़ों के बचे हुए हिस्से, कुछ गले हुए हिस्से बचे हैं। आप खुद देख सकते हैं यार ये कितनी बड़ी बड़ी जहाज हुआ करती थी, अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बैरल खाली पड़ी हुई है। इसका साचा देखिए, लेआउट देखिए, डिज़ाइन देखिए, सब कुछ ड्राई, पूरा का पूरा ये सूखा पड़ा हुआ है। तो इस अरल का मतलब होता है मंगोलिक और तुर्किक लैंग्वेज में सी ऑफ आइलैंड। इसको सी ऑफ आइलैंड बोलने का रीज़न ये था क्योंकि गाइज ये 1100 से ज़्यादा छोटे छोटे डॉटेड आइलैंड से मिलके ये पूरा अरल सी बना हुआ था। ये एक्चुअली हार्बर पॉइंट था। तो पहले ये सारा एरिया जितना आप देख रहे हो ना, ये मुनियाक जो विलेज है अभी फिलहाल इस उज्बेकिस्तान कंट्री का, ये पूरा हार्बर पॉइंट हुआ करता था, फिशिंग विलेज बोलते थे। फिलहाल अभी यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर अगर मैं आगे जाऊँगा तब जाके शायद मुझे कहीं पे एक छोटा सा वाटर्स का सोर्स अभी भी बचा हुआ है, 4x4 अगर मेरे पास होगा तब शायद मैं वहाँ पे जा पाऊँगा। फिलहाल अभी आप देखिए पूरा ये ड्राई है, सूखा है। नावें भी जो है ना वो अलग अलग पुराने टाइम पे, सोवियत के टाइम पे जो नावें हुआ करती थी फिशिंग वगैरह के लिए कैरी किया करते थे, वो अभी फिलहाल ये आप देखिए सारा खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए सब इसमें जंग लग चुका है, खाली है, इसमें सामान मछली या खाने पीने का सामान ये लोग स्टोर किया करते थे। इंजन अलग है, स्टोरेज कहीं और है, पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है यार, कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है। दूर दूर तक आपको शायद पानी का एक सोर्स भी नज़र नहीं आएगा सिवाय सिर्फ शिपरेक के। मंजर को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या कोई समुंदर या इतना बड़ा लेक, जिसको दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक बोलते थे यार, वो इस तरह से ड्राई होगा और ये सारे शिप यहाँ पे ऐसे पड़े होंगे। तो एक्चुअली गाइस जो अरल सी है ना, उसकी जो हिस्ट्री है कि ये अरल सी बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे दो रिवर हुआ करते थे, एक सैर दरिया और एक आमू दरिया, जो कि इस पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे मेन दरिया बोला जाता है, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर से जो पामीर वाला रीजन है ना वहाँ से स्टार्ट होके ऑल द वे
इस अरल सी में आके मिला करता था पहले के टाइम पे, बट लास्ट में अगर आप सबको पता होगा कि ये सारे सेंट्रल एशियन जितने भी कंट्रीज थे वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो उस टाइम पे आई थिंक 1960 के पहले जितने भी ये यूएसएसआर के लोग हुआ करते थे ना, उनका एक कोई प्रोजेक्ट चलाया गया 5 से 7 साल के लिए। उस टाइम पे जो मेन रीज़न हुआ ना कि ये जो रिवर था सायर दरिया और आमू दरिया, इसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, किस लिए? एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। और उस टाइम पे यूएसएसआर का जो मेन फोकस था वो था इन सब एरियाज में कॉटन को सबसे ज़्यादा बढ़ाना, ग्रो करना। तो उसको फीड करने के लिए इस सायर दरिया और आमू दरिया के पूरे पानी को इन्होंने यार इतना ज़्यादा यूज़ किया कि उसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। वो दरिया का जो पानी वहाँ से चल के यहाँ के रास्ते आ रहा था ना, वो आना ही बंद हो गया। और इन सब एरियाज में धीरे धीरे इन्होंने सिस्टम जो यूज़ किया था वो था कैनल। आज भी मैं अभी भी पूरे उज़्बेकिस्तान में जब से ट्रेवल कर रहा हूँ ना यार, बीच बीच में हर जगह मुझे छोटे छोटे कैनल दिख रहे हैं। तो अब मुझे पता चला, थोड़ा सा मैंने जब रिसर्च किया ना, कि वो कैनल के सहारे आमू दरिया और सायर दरिया के पानी को डाइवर्ट करना स्टार्ट किए, जिससे इसके पूरे डेजर्ट वाले एरिया में ये इस दरिया के पानी को वहाँ पे कॉटन को सबसे ज़्यादा ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकें। यार इतनी बड़ी बड़ी जहाज कैसे, इंजन इसका कहाँ पे है और पीछे का हिस्सा कहीं और है, पूरा सूखा पड़ा है। आखिरी वाले शिपरेक के ऊपर आ चुका हूँ और आप देखिए अभी यार गाइस पूरा ये जहाज कितना बड़ा मैसू जहाज, फिलहाल अभी ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ इसके कुछ हिस्से तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। ये आई थिंक इनका उस टाइम पे, ये देखिए जहाज़ों का इनका टॉयलेट वगैरह हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ पे होल वगैरह मुझे नज़र आ रहा है। और ये है इंजन इनका, अंदर आपको ले चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आई थिंक इसको ऑपरेट किया करते थे ये लोग। और डिज़ाइन आप देखिए, बंकर अलग अलग रूम था, नीचे इंजन का रूम अलग, इसको स्टोरेज के लिए अलग। और ये इंजन का नीचे का हिस्सा गाइस, ये आप देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। हर जगह एक एक कोने में आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा गला हुआ है। क्या वाकई एक समुंदर जैसे लेक को किसी तरीके से ड्राई किया जा सकता है? और इस ये नेचुरली नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जो इसकी मिस्ट्री है ना, कि इसको लोगों ने किया है, मतलब यूएसएसआर ने नो डाउट अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ किया था। जितना भी ये एरिया है उस वक्त कॉटन सबसे ज़्यादा हुआ करता था पूरे सिल्क रोड पे, और ट्रेडिंग भी हमेशा से हुई है पूरे सेंट्रल एशिया में। अगर आप देखोगे तो कॉटन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, वो इंडिया से भी ये चीज़ शुरू हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी ये डेजर्ट एरिया है वहाँ पर इन्होंने कॉटन सबसे पहले प्रायोरिटी फोकस करके उगाने की कोशिश की। और लोगों को यहाँ पे इन्होंने ये समझाया और आई थिंक कुछ बताया होगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्री को फ़ायदा होने वाला है। और कॉटन के साथ उस वक्त वाटरमेलन यानी कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साथ में राइस और एक दो कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स थे जिनको इन्होंने उगाना स्टार्ट किया। तो उस डेजर्ट वाले हिस्से को यानी लैंड को इन्होंने कैनल के सहारे, कई छोटे छोटे इन्होंने कैनल बनाए और इस दरिया के पानी को यानी इसको डाइवर्ट करके कैनल के सहारे सिंचाई किया करते थे, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल था, जो फ्लो था, वो काफ़ी ज़्यादा रुक गया गाइस। अलग अलग जगह पे अलग अलग शिपरेक पड़े हुए हैं यार। अब एक जहाज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सब अबेंडेंट जहाज हो चुके हैं अभी यार। ये पूरा एरिया जितना आप देख रहे हैं ना, अभी ये बालू सैंड से ढका हुआ है। पहले इन सब एरिया में गाइस पूरा पानी हुआ करता था। तो इतना बड़ा सी आप सोचिए दो लेक में कन्वर्ट हुआ। 68,000 स्क्वायर किलोमीटर से इसका जो सरफेस वो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आ गया। और 2004 में फाइनली ये चार टुकड़ों में बढ़ गया, यानी चार लेक का फॉर्म हो गया। और 2014 में नासा ने सैटेलाइट इमेज जारी किया, जिसमें उन्होंने बोला कि ये दुनिया का, पूरे प्लेनेट का सबसे वर्स्ट डिजास्टर इन्वायरमेंटल इशू है, जो अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। कुछ जहाज सिर्फ लकड़ियों के बने हुए हैं, कुछ प्रॉपर देखिए जो लोहा है आयरन उसको यूज़ करके बनाया गया था। कलर वगैरह पहले के टाइम पे पेंटिंग वगैरह हुई थी इन सारे शिपरेक में। इसका तो पूरा सांचा ही गायब हो चुका है, मतलब सिर्फ निचला हिस्सा बचा हुआ। अब ये कई साल, कई लोग बोलते हैं ये 20 साल 30 साल 40 साल के बाद तक सिर्फ सेम जगह पे ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। इंजन की ये देखिए जो चक्की वगैरह है वो सब तो पूरा गल चुका है यार, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। एक ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आई थिंक ये काला दिन भी बोल सकते हो, कि इतने बड़े सी को एक
ह्यूमन प्रोजेक्ट की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये वाला शिप आप देखिए गाइस, पूरा खाली है यार। मतलब ये वाला हिस्सा तो आई थिंक पूरा निचला, वैसे ही आई थिंक ये किसी इंजन का पार्ट होगा बाहर का। और डिज़ाइनिंग उस वक्त जहाज़ों की कैसे हुआ करती थी आप इसके अंदर खुद देख सकते हैं। 50 मीटर डीप पूरा ये समुंदर हुआ करता था, और ऐसा होता है 2 मिलियन हेक्टेयर्स फार्मिंग जो एग्रीकल्चर का लैंड था उसको ये लोग सींचने के लिए, पानी वहाँ तक पहुँचाने के लिए, कॉटन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ग्रो करने के लिए इस पूरे सी के पानी को, अरल सी के पानी को जो कि फ्लो हुआ करता था एक्चुअली रिवर, उसको इन्होंने डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ आप अभी पूरा डेजर्ट एरिया पूरा देख रहे हो। शायद ही आप लोगों में से किसी को पता होगा कि उज़्बेकिस्तान कंट्री उस टाइम पे जब ये USSR का पार्ट हुआ करती थी, दुनिया की पहली और नंबर 1 कंट्री थी कॉटन प्रोडक्शन के मामले में। इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता था कॉटन, और आज के भी टाइम पे वर्ल्ड का 4th या 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उज़्बेकिस्तान कंट्री कॉटन प्रोड्यूसर के लिए, और 12वें नंबर पे आता है एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो कॉटन कितना ज़्यादा यहाँ से निकला है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। बट कॉटन में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना किसी को, वो है इस अरल सी को। ये सारी जहाज़ें जितनी आप देख रहे हो ना गाइस, ये उस टाइम पे सारे बड़े बड़े जो ट्रेडर हुआ करते थे, बिजनेसमैन फिशिंग इंडस्ट्री के, वो सारे लोग यहाँ पे आके फिश वगैरह निकाला करते थे। और फिशिंग की वजह से 40,000 से 50,000 लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हुआ करते थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ से धीरे धीरे लोग पीछे शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। आज मुनियाक सिर्फ आखिरी विलेज बचा हुआ है, वरना इसके आगे भी और पीछे ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर तक का जो रेडियस हुआ करता था वहाँ पे सिर्फ लोग यार इस शी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था, लोगों को कुछ ना कुछ काम वगैरह मिलता था। मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ये एरिया। बट जब से ये ड्राई हुआ, इस तरह से चीज़ें बिखरी, सामान पूरा यहाँ से गायब हुआ, लोग यहाँ से हटना स्टार्ट हुए, सब कुछ तबाह हो गया। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इन ट्रेडर्स का, इन बिजनेसमैन का, जिनकी ये जहाज़ें थी। तो कुछ लोग तो यहाँ से अपनी जहाज़ों को लेके वापस चले गए थे, जैसे जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे पानी का जो सोर्स है वो कम होना स्टार्ट हो चुका है। बट कुछ लोगों को लगा था कि शायद अभी टाइम लगेगा और बाद में वो अपनी जहाज़ यहाँ से लेके जाएंगे, बट एट द लास्ट में जब उनको यहाँ से अपनी जहाज़ निकालना था ना यार, वो निकाल ही नहीं पाए। तो कुछ ऐसा वो दर्दनाक मंजर था ना कि लोगों को ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि शायद इतने डीप लेवल तक ये जाके ड्राई होने वाला है। ये सारे जो लैंड है ना, इतना बैरल हो चुका है कि यहाँ पे कई ढेर सारे कंपनियों के फैक्ट्रीज़ के जो केमिकल थे, क्योंकि कॉटन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होना स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से इस पूरे एरिया को काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और डेडलीज भी बोलाता है। ऊपर का लेयर है ना, वहाँ पे काफ़ी ढेर सारी डेडलीज बीमारियां वगैरह हो सकती हैं। तो इसलिए लोगों को ये बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा अंदर तक ट्रैवल ना करें। इस प्लेस को देखने के लिए हमने कितनी मेहनत करके हम यहाँ पे आए हैं, तो ये एक्चुअली अभी हमने इसको आपको उज़्बेकिस्तान के साइड से दिखाया, जो कि अरालकुम डेजर्ट के लिए जाना जाता है। तो ये इतना हिस्टोरिकल प्लेस है कि अभी इन्होंने एक पब्लिक स्क्वायर बना दिया हुआ है, यहाँ पे आके इस अरल सी की हिस्ट्री है वो आप पढ़ सकते हो। अब आप देखिए यहाँ से इस लैंडमार्क से कौन सा कंट्री, कौन सा शहर कितना किलोमीटर हुआ करता था, ये पूरा इन्होंने लगाया हुआ है। कायरो जो कि इजिप्ट में है 2882 किलोमीटर, नुकुस जो कि यहाँ का सबसे क्लोजेस्ट शहर हुआ करता था उस अरल सी के टाइम पे, बर्लिन यहाँ से 3500 किलोमीटर है, वर्सलिया 12582 किलोमीटर, न्यू दिल्ली वाह जो कि मुझे आपको दिखाना था 2397 किलोमीटर इस वक्त इस प्लेस से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ गाइस, अपना इंडिया का जो कैपिटल है वो है ताशकंद, जो कि उज़्बेकिस्तान कंट्री का कैपिटल है, 881 किलोमीटर। बट इसकी जो हिस्ट्री है ना वो काफ़ी दर्दनाक है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंट है, इसका कैसा कैसा व्यू था वो सारा कुछ इन्होंने इसमें बनाया हुआ है। ये एक लाइट हाउस है, आई थिंक इन्होंने अभी इसको रिनोवेट किया है। पहले के टाइम पे एक छोटा सा सिर्फ यहाँ पे खंभा हुआ करता था गाइस, क्योंकि ये पूरा सबसे बड़ा फिशिंग हार्बर पोर्ट था, तो मछलियाँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी बाकी के उस वक्त USSR के पार्ट वाले एरियाज में, रीजन में। तो इस वजह से ये टावर वगैरह को लोग यूज़ किया करते थे नावों को डायरेक्शन वगैरह देने के लिए। तो गाइज ये है इस मनियाक विलेज का लैंडमार्क, एक काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक फ़ोटो तो बनता है। आई थिंक ये एक पहचान होगी इस पूरे मनियाक और अरल सी की मेमोरी, जो आई थिंक मुझे लगा आप सबको दिखाना जरूर चाहिए। मतलब अनबिलीवेबल है, काफ़ी मैसिव बनाया है। मोयनाक मैनाक मोयनाक मैनाक कुछ अलग अलग तरीके से इसको लोग बुलाते हैं,
और पूरा एक्चुअली सी की जो लाइफ है ना उसको इस मॉन्यूमेंट के ऊपर दर्शाया गया है, यानी मछली और अंदर बाकी जो अलग अलग स्पीसीज होते थे ना उसको दिखाने की कोशिश की गई है। काफ़ी बड़ा है और ऐसा आपको लगेगा कि समुंदर में जो अलग अलग पानी की लेयर्स होते हैं ना उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ब्रदर उमा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस प्लेस? इट्स कंप्लीटली डिफरेंट ब्रो, बट फीलिंग वेरी सैड बिकॉज़ एवरीवन लॉस्ट मनी एंड जॉब। इट्स नॉट अ बिग मैटर, बट व्हाट इज द मेन मैटर इज द वाटर वी लॉस्ट इट, एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, एवरीथिंग वाज चेंज्ड, वी फीलिंग हॉट हियर बिफोर इट डेज, इट इज अ फन प्लेस, दिस इज ऑल फन प्लेस दे आर सेइंग 1960 before, because fourth largest, means think about it, in this world planet, see how many people come to here and they swim, they fish, they eat here, local life, picnic, local life, many things, everything was gone. तो गाइज आप इसी से अंदाजा लगाइए, मतलब कहते हैं ना इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो तो आई थिंक इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे यार, सोच भी नहीं पाएंगे। लॉस हुआ है नो डाउट, अब कितना फ़ायदा हुआ उज्बेकिस्तान कंट्री कॉटन के प्रोडक्शन से, कितना ज़्यादा रिच हुआ USSR, इससे कितना ज़्यादा पैसे बनाया ये तो हमें नहीं पता, ये डीप हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटिक्स का पार्ट है। बट इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ नो डाउट, यहाँ पे आने के बाद जब इन सब प्लेसेस को हम विजिट करते हैं ना यार, तो आंखों में आंसू आ जाता है कि इतना दर्दनाक मंजर। आप सोचिए सबसे बड़ी बात ना, जो लोकल लाइवलीहुड होता है ना किसी भी प्लेस का वो गायब हो जाता है, चला जाता है, लोगों की जॉब छिनना, बिजनेस उठना, ये सारी चीज़ें यार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कितने लाखों लोग बेरोजगार हुए होंगे आप इससे अंदाज़ा लगाइए। सो गाइज रात के 8:30 बजने वाले हैं और वापस से हम हाईवे पे आ चुके हैं, और जो भाई साहब हमें लेके मुनियाक तक गए हुए थे ना उन्होंने अपने घर के आसपास हमें उतार दिया, और वहीं पे तुरंत हमें एक दूसरी कार मिली जिन्होंने हमें लाके एक बाईपास पे कहीं पे उतारा है, और हमें कुछ आइडिया नहीं है, अभी हम चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो एक्चुअली यार ये वापस से अब्बास भाई जो कि एक दमाज है इनकी, ये वापस से हमें अभी इस हाईवे पे पिक किया है और अब ये नुकुस तक जा रहे हैं, तो एटलीस्ट नुकुस तक तो हम वापस पहुंच पाएंगे। तो प्लान ये है यार कि हम यहाँ से अगला शहर जो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे वो है खीवा। अब खीवा तक के लिए ट्रांसपोर्ट तो आई थिंक रात में मिलने से रहा, फिर भी मैं ट्राई ज़रूर कर रहा हूँ कि शायद हमें अगर कुछ भी मिल जाए और हम एटलीस्ट बिरूनी तक पहुँच पाए जहाँ पर हमने कल रात गुजारी थी। बिरूनी वही जगह यार जो लास्ट वर्ड आपने देखा होगा, पापा जिन्होंने हमें बचाया था और अपने घर पे लेके गए थे और लास्ट में आज हमें हाईवे पे ड्रॉप करने भी आए थे। तो लेट्स सी, ये तो नुकुस तक सिर्फ जा रहे हैं, अब नुकुस के बाद आगे हम कैसे जाएंगे, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ना कोई काउ सर्फिंग पे होस्टिंग है, ना किसी को जानते हैं, लास्ट ऑप्शन में देखते हैं। क्योंकि इस वाले रीजन में ना यार दिक्कत ये है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर आप खुद पर्सनल कार लेके आएंगे तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, वरना होटल वगैरह भी बहुत ना के बराबर है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं एक्चुअली गाइस जो हमें फेस करना पड़ रहा है, बट लेट्स सी, होपफुल है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ होने वाला है, पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आज का दिन तो यार सुबह से काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा, आपने वीडियो में देखा ही होगा, अब आगे क्या होने वाला है लेट्स सी।